नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं दीपाली सिंह, खबर पंजाब से। जिला संगरूर की धूरी पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने हरियाणा से पंजाब लाई जा रही नाजायज शराब से भारी बुलेरो गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी को चलाने वाले तो भागने में सफल हो गए। पुलिस ने गाड़ी से 100 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं SHO विजय कुमार को। शेरपुर रोड टी पॉइंट ने नाका लाया हुआ सी, एक गड्डी महिंद्रा पिकअप जो कि बड़ी तेज रफ्तारी आ रही थी, तो उन्होंने इशारा किया रोकने का, जन गड्डी नहीं रोकी, ना रोकने का पिछा किया। अगे जाके दो बंदे भज गए, गड्डी छड़ के जीरी सी, जीरी वजह निकल गए। पर जो चैक किया गड्डी पिछे तो 100 पेटियां शराब मिली, जिसे 73 पेटियां मार हरियाणा मेड सी, हरियाणा दी सी, 27 पेटियां पंजाब दी सी, जिन्हां दे खिलाफ केस रजिस्टर किया। तो बंदे की भाल जारी है क्योंकि शराब पंजाब हरियाणे चो काफ़ी मात्रा च आने की सानू इतलाह सी, तो असी इस तहत असी काफ़ी सख्ती कर रहे हैं ताकि बाहर की शराब साढ़े इलाके च ना वेख सके। हरियाणा में पंजाब के मुकाबले शराब सस्ती है, जिसके चलते यह तस्करी का खेल चलता आ रहा है। यह थी हमारी खास खबर, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।